हेलो भाई साहब, पूजा नरेन यहाँ घर पर नहीं है। आपके यहाँ आए हैं क्या? नहीं सुप्रिया जी, नरेन और पूजा तो यहाँ नहीं आए। पर आप घबराइए मत, नरेन बाबू पूजा को इलाज के लिए ही लेकर गए हैं। अच्छा, आपको ये पता था, लेकिन आपने उन्हें जाने कैसे दिया? पूजा को अकेले संभालना कितना मुश्किल है। सुप्रे जी, आप चिंता मत कीजिए, नरेन बाबू से बेहतर पूजा को और कौन संभाल सकता है। वैसे कहाँ गए हैं दोनों बच्चे? जी दौलतपुर गए हैं। मेरठ के पास वाली या अंबाला वाली? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पूछ लूंगी। मैं रखती हूँ जी। सुप्रिया, आप घबराइए मत। अच्छा चलिए, आप फोन लगाइए नरेन को। लगाइए, कम ऑन। क्या हुआ? काट दिया उसने फोन। आप है ना, ऐसे ही हर बात में उसी की तरफदारी करते रहिए। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी चिंता है दोनों बच्चों की। सुप्रिया, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा नरेन पूजा को, एवरीथिंग विल बी ओके। एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, आई जस्ट टेक द कॉल। एक्सक्यूज मी। नरेन बेटा, सब ठीक है ना? पापा, हम दौलतपुर के रास्ते पे। पापा, माँ बहुत ज्यादा नाराज है। क्या मैं पूजा को बिना बताए यहाँ ले आया? पापा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नरेन, ये जो तुमने किया है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाता। प्राउड ऑफ यू माय सन।